जिलाधिकारी कार्यालय यवतमाल की ओर से दिग्रह शहर के व्यापारियों को 8 मार्च तक कोरोना जांच करने का फरमान जारी किया गया है। इस संदर्भ में दिग्रह तहसीलदार ने पहले ही व्यापारियों से जांच करने के संदर्भ में आह्वान किया था, जिस पर शहर के व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए बीसीएन के समक्ष अपनी राय पेश की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सारी दुनिया के लिए जी का जंजाल साबित हो चुके कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर जनता की परेशानियां बढ़ा दी है। ऐसे में बात अगर दिग्रह शहर की जाए तो यहां आम जनता से ज़्यादा व्यापारी वर्ग प्रशासन की सख्ती से बेजार नज़र आ रहा है। हाल ही में जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी फरमान में शहर और तहसील के सभी व्यापारियों को 8 मार्च तक कोरोना जांच कराने की ताकीद दी गई है। वैसे इससे पहले भी तहसीलदार राजेश वजीरे ने जांच कराने के आशय का आह्वान व्यापारियों से किया था, जिस पर शहर के व्यापारियों ने बीसीएन से अपनी राय साझा की है। मेरी राय यही है कि भाई जिसको तकलीफ है उसने ज़रूर कोरोना का टेस्ट करना चाहिए, और जिसको कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते उसने कोरोना का टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों में कोरोना को लेके काफ़ी दहशत है। और जिस पर ऐसा एकदम ज़ोर ज़बरदस्ती आप करेंगे तो मेरे को लगता मानसिक तकलीफ भी होगी उसको, किसी को डर के हिसाब से अटैक भी आ सकता। तो कोरोना का दहशत लोगों के दिलो दिमाग पर है, तो मेरा ऐसा मत है कि जिसको सिम्टम्स है, तकलीफ है, उसने टेस्ट जरूर कराना चाहिए। व्यापारियों के मुताबिक कोरोना नियंत्रण के नाम पर शुरू से ही प्रशासन की सारी सख्ती और सारे कठोर नियम व्यापारी वर्ग पर ही क्यों थोपे जा रहे हैं। कानून की सख्ती सभी के लिए समान हो, ऐसी मांग भी अब उठने लगी है। आमची शासनाला विनंती आहे की त्यांनी प्रत्येक वार्डामध्ये जाऊन त्यांच्या चाचण्या घेऊन खेड्यामध्ये सुद्धा तशी चाचणी घेऊ, आणि आम्ही तर एक सुशिक्षित व्यापारी आहोत, आणि आम्ही तुम्ही माझ्या दुकानामध्ये बघत आहे की मी किती कटाक्षपणे माझी स्वतःची मी हे केलेली आहे, किंवा मला काही गोष्टी दुसऱ्यांपासून काही बा बाधा होऊ नये आणि माझ्यापासून सुद्धा बाधा होऊ नये म्हणून मी माझ्या दुकानामध्ये सॅनिटायझरचा वापर करत आहोत, आणि स्वतः मास्क वापरत आहो, आणि स्वतः मी पडदा बांधलेला आहे। त्याच्यामुळे माझी शासनाला अशी विनंती आहे की बा जे लोकांमध्ये तुम्ही दहशत पसरत आहे तर ते दहशत पसरवण्याचं काम थोडं कमी करून प्रत्येक लोकांची जनरल चाचणी करण्यात यावी अशी आमची शासनाला। व्यापारियों की माने तो कोरोना ने वैसे ही व्यापार और कारोबार का सत्यानाश कर रखा है। बाजारों में ग्राहकों की आमद रफ्त बेहद कम हो गई है, जिसका खामियाजा व्यापारी वर्ग को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में महामारी की रोकथाम के लिए नियम और सख्ती का सहरा हर बार व्यापारी वर्ग के सर बांधना सरासर ज्यादती है। जो व्यापारियों का आह्वान किया गया है कि वही सभी ने कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य है, मेरा ऐसा मानना है कि व्यापारियों ने तो करना ही चाहिए, ठीक है, हम इस आह्वान का स्वागत करते हैं। इसी के साथ साथ सामान्य जनता का भी, सभी लोगों का इसमें कोविड टेस्ट कराई जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इसी के साथ साथ जो राज्य सरकार ने एक मुहिम चलाई है माझा कुटुंब माझी जवाबदारी म्हणून, इसके तहत हम लोग तो हम खुद का ख्याल रख ही रहे हैं, हम हमारे दुकान के अंदर सैनिटाइजर का वापर कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हम हमारे दुकान के अंदर ग्राहक कर रहे हैं, मास्क का वापर कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि गांव के अंदर कोरोना के चलते हुए मार्केट के अंदर आज रश 50% से भी कम हो चुका है। ये मार्केट के हमारे दुकान की हालत देखिए, दुकान के अंदर आज दिन से दिन भर हम बैठ कर भी 9 से 5 बजे के इतने में कस्टमर का आज हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर आने का नाम नहीं ले रहे। कोरोना की ऑलरेडी इतनी दहशत है, कोरोना ने पहले ही व्यापारी को इतना मार चुका है, इसके बाद प्रशासन और इसके ऊपर सख्ती बरतेगा, वो भी व्यापारी के ऊपर, ये कहाँ की सरासर, ये सब हमारे साथ में नाइंसाफी है। गौर करने वाली बात यह है कि सरेआम बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नज़र आ रहे घुमक्कड़ लोगों की तुलना में कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करने वाले और दिशा निर्देशों के तहत अपना व्यवसाय चलाने वाले व्यापारियों पर जांच आदि की सख्ती की नकेल कसना भी उचित नहीं। इसके अलावा गौर करने वाली बात ये भी है कि जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से व्यापारियों के लिए 8 मार्च तक जाँच की डेडलाइन तय कर दी गई है। ऐसे में दिग्रस के छोटे बड़े सभी व्यापारियों की कुल तादाद
का अनुमान आंकड़ों में लगाया जाए तो वह संख्या अंदाजन 10,000 तक होगी। ऐसे में क्या कोविड केयर केंद्र के लिए आगामी केवल 4 से 5 दिनों में कोरोना की जांच करना और उनके रिपोर्ट जारी करना क्या मुमकिन है? शायद नहीं। तो ऐसे में डर है कि व्यापारियों के लिए कोरोना जांच की सख्ती का ये फरमान समस्या को सुलझाने से ज़्यादा समस्या को उलझाने का सबब न बन जाए। BCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।